हेलो एंड वेलकम टू दिल्ली एक्सप्रेस। वेल दोस्तों, दिबोश्मिता की खातिर सलमान खान ने क्यों लगाया इंडियन आइडल के मेकर्स को कॉल, फोन करके लगाई उनकी जोरदार वाट। क्या है पूरी डिटेल्स बताएंगे आपको सब कुछ पूरे विस्तार से, लेकिन इससे पहले चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना आप ना भूलें। वेल दोस्तों, शो में हर बार देखा जाता है जब भी किसी कॉन्टेस्टेंट को बुलाने की बारी होती है तब हमेशा ही उनकी ज़िंदगी से रिलेटेड कोई ना कोई बात कही जाती है, कभी फनी वे में कभी कुछ। लेकिन जब दिबोश्मिता का इंट्रोडक्शन दिया जाता है उनकी परफॉर्मेंस से पहले तो हमेशा उनकी गरीबी को उजागर किया जाता है। ये बताया जाता है कि उनके पिता उनको गुड़िया देने में असमर्थ रहे, उनके पिता उन्हें खुशियाँ देने में असमर्थ रहे, और कुछ ना कुछ करके हमेशा ही ये चीज़ बताई जाती है कि दिबोश्मिता कितनी ज़्यादा गरीब है। लेकिन लास्ट वीकेंड हद तब पार हुई जब नेहा कक्कड़ ने दिबोश्मिता को स्पा के लिए भेजा था और वहां का फुटेज पूरे तरीके से रिकॉर्ड करके दिखाया गया कि आखिर दिबोश्मिता ने कभी भी बड़ा पार्लर नहीं देखा और वो किस तरह से उछल रही हैं और कितनी ज़्यादा मदद की है यहां नेहा ने। सलमान को इस तरह से यंग टैलेंट की ऐसी बेइज्जती और वो भी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन पर ज़रा भी पसंद नहीं आई। ये बात सब जानते हैं कि सलमान खान यूथ से बहुत प्यार करते हैं और जिन लोगों में टैलेंट होता है उनको तो कुछ ज़्यादा ही पसंद करते हैं सलमान। यही वजह रही कि सलमान खान ने इंडियन आइडल के मेकर्स को कॉल लगाकर ज़ोरदार फटकार लगाई और कहा ये क्या तरीका है किसी रियलिटी शो को चलाने का, अगर आपको इंट्रो ही देना है कुछ कहना है तो दिबोश्मिता की तारीफ में कहिए, दिबोश्मिता की सक्सेस को कहिए, आपको हर बार किसी की गरीबी को उठाकर टीआरपी कमाने की ज़रूरत नहीं है। वेल दोस्तों, इसके बाद दिबोश्मिता के इंट्रोडक्शन में बदलाव आ सकता है, आप क्या कहेंगे, सलमान ने सही किया या गलत, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।